हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अभी पता है मॉर्निंग ये बुरका लिए, आपको पता है क्या हो गया? मैंने और मीनाक्षी जी ने सेम लिए। ये बुरका उनका मेरे को आ गया, मेरा उसको चला गया, क्योंकि ये जो है हमने टच बटन्स लगाए थे, ये देखिए मेरे को टाइट हो रहा है। अच्छा ऐसा हो गया? अरे इसके लिए मैंने इसे खुला ही रखी। चलो अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई कुछ काम से, तो ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस सबको पता है सुबह के अभी 8:30 या 9 बज रहे हैं, बहुत तो जल्दी बहुत जल्दी उठे हैं। हमने मीना दीदी को बोला था कि हमें अगर जल्दी उठे ना तो कॉल करना। पता है कितने 6 बजे कॉल किए? 6 बजे फिर भी मैं उठा नहीं। मैं 7 या 7:30 बजे उठा, वो भी फरा ने मेरे को उठाया। इन्होंने पहले मेरे को बोले फरा 7 बजे, मैंने मैं ऐसे सो गया। तो जा रहे हैं मुंबई को काम से, बने रहना, मज़ा आएगा, है ना? ईजान नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ईजान की तबीयत अभी ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे थे ना, है ठीक अच्छा है अभी। हाँ, और अम्मी है, अब्बा है घर पे, तो वो रह लेंगा उनके पास। और खुर का फेस रिवील क्यों नहीं किए, ये भी बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। तो अभी बताएंगे आपको, आगे बताऊँगा मैं, फुर्सत से बताएंगे। तो ये हमारा पहला ब्रेक हमने लिया क्योंकि नाश्ता करना था, और मैं तो सुबह बिना चाय बिना नाश्ते के निकला था। फरा भी कुछ नहीं किए थे तो दोनों को भूख लगी थी, तो यहाँ पे हम रुक गए। पहले ज़्यादा भूख लगी थी ना गाइस, तो अभी पहला हमारा स्टॉप है। और एक्चुअली मैं ना सुबह से जब उठा ना, चाय भी नहीं पिया कुछ भी नहीं, तो पहले चाय नाश्ता करते। आपने भी कुछ? अभी मेरी ड्यूटी ना फरा कर रहे, मतलब स्टोरी ऐड करना, एक्टिव रहना, वरना पूरा ना मैं ही कर रहा हूँ। अभी देखिए ये देखिए, क्या बोल रहे थे? समीर ने मेरे को मोटिवेशन दिए हैं, ऐसे वो मुझे मोटिवेशन देते रहते हैं कि फिर आप भी करते जाओ, आप भी किया करो, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा। तो वही कह रहे, कोशिश कर रही हूँ इंटरेस्ट लाने की। अच्छा है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मुंबई को, और यहाँ पे रुके क्योंकि इन लोग का मेकअप चला था ना। अच्छा ऐसे अच्छा, तो ऐसे नहीं बोलने का गाइस, ऐसे बोलते हैं टच अप। तो सॉरी मैंने बोला मेकअप। तो हो गए देखिए यहाँ। तो गाइज ये हम लोग आ गए हैं, हमारा जो शूट था उसके लिए यहाँ पे मुंबई में नाकोदा मोहल्ले में मरियम स्टोर, मेमन स्टोर आप लोगों को पता ही होगा गाइज, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छा वहाँ का कलेक्शन है। तो बस वहाँ पे हमारा ब्राइडल शूट के जैसा, मतलब एक 2-3 ड्रेसेस वहाँ पे पहन के हमको बताने थे, तो हमारे दोनों का था यहाँ पे, मीनाज दीदी का और मेरा। हेवी लग रहा है ना बहुत? हाँ हेवी नहीं लग रहा है ना? दुपट्टा बार बार ये हो रहा है, वो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट। और वैसे अच्छे लग रहे माशाल्लाह। तो यहाँ पे फरा का शूट स्टार्ट हो गया, और माशाल्लाह फरा देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको ऐसे हेवी नहीं लग रहा था फरा? वो हाँ हेवी तो था वो, लेकिन कितना प्यारा लग रहा था ना ड्रेस, प्यारा वो देखो तो ना। बहुत लग रहा था, फिर एक ब्राइडल ड्रेस पहनी थी तो एक दुल्हन वाली फीलिंग आ रही थी। और हम जैसे कि आपको पता है गाइस, हमारी शादी की शॉपिंग फरा की, उन्होंने यही शॉप से की है ना, मरियम से। और अभी फरा ने चेंज किया, और ये देखिए पार्टी वेयर ड्रेस, माशाल्लाह कितना भारी लग रहा है फरा, कितना रिच लग रहा है ना। हाँ, और मेरे को सबसे अच्छी इसकी पैंट लगी समीर, इसकी पैंट का मतलब जो डिजाइन वगैरह था ना वो बहुत ही ज्यादा सुपर था। यही
ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और हमारे जो वीडियोस है वो इंस्टाग्राम पे आ गए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर लो, हमारा फॉलो भी कर लो अगर नहीं किया होगा तो। सो ये था हमारा लास्ट शूट, मतलब के लास्ट था ये ड्रेस, तो इसके ऊपर हम लोग का एक दोनों का साथ में फ़ोटो भी लेना था और वो वीडियो भी चाहिए था, तो बस ये कर दिए। लाइट चली गई थी उसमें और ये पकड़ के, वैसे भी लाइट ऑफ़ करके ही शूट हो रहा था, जैसे कि हम लोग के ऊपर ही फोकस पड़े इसके लिए वैसा कर रहे थे। शूट बहुत अच्छे से होगा गाइस, तो आप लोग को भी अगर शॉपिंग करना है तो शॉप का डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेक कर लेना। एक शूट हमारा फाइनली कम्प्लीट हो गया और उसको भी बहुत टाइम गया गाइस। ये ब्राइडल शूट जो होता है ना, इसको बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद सबको लगी थी भूख, तो आदम भाई और आदम भाई की टीम ने खाने का इंतज़ाम किया था। माशाल्लाह आप देख सकते हो कितना सारा उन्होंने खाना हमारे लिए अरेंज करके रखा था, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आदम भाई और उनकी सारी टीम को, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें मैनेज किया, बहुत अच्छा लगा और खाना भी बढ़िया था। भूख तो लगी थी गाइस वैसे भी, बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट शूट के लिए निकलते हैं। फिर एक शॉप पे हमारा शूट कंप्लीट हो गया, उसके बाद खाना और खा के हम लोग वापस उनके दूसरी शॉप में आ गए जो कि है मरियम में। और यहाँ पे ये दोनों भी सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा पहने, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे अभी सेम कलर तो हम नहीं पहन सकते ना वीडियो में, तो यहाँ पे वही दोनों भी चॉइस कर रहे थे। तो फरा ने यहाँ पे रेड कलर का ब्राइडल पहना है जो कि उसमें वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और सेम मुझे तो दुल्हन जैसी फीलिंग आ रही थी। ऐसे लग रहा था उनको शॉप में ना ऐसे पहना के बिठाया, वो ऐसे बैठ भी रहे थे, आप देखे ना ऐसे बैठे थे आप। मैं बोला फरा ऐसे क्यों बैठे आप दुल्हन के जैसा, उसमें ना ये वाला भी बहुत प्रीटी था, ये वाला ना। हाँ, पहले वो बोले कि ये वाला वेयर करो, फिर मैं बोली नहीं ये वाला मैंने ऑलरेडी ये कलर वेयर किया इसके लिए, फिर ये वाला मीनाज दीदी ने वेयर किए। अभी देखिए फरा जो है रेड कलर का पहन के आएंगे, एक दो तीन, ये आ गए फरा। देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं ना फरा, वो नीचे जितना बड़ा बड़ा रहता है यार। हाँ बहुत हेवी रहता है ना। शादी में ऐसा पहनते हो ऐसा गर्ल फरा, तो ऐसा तुम लोग को ये नहीं होता है कुछ? नहीं अच्छा हा? लगता ऐसे नहीं लगता कि कब उतारे थोड़ा फ्री हो जाए। मैं तो ऐसा हैवी पहन के बीजापुर गई हूँ, 8 घंटे का रास्ता सोचो। बीजापुर लेके गए था, इनकी हालत तो इतनी खराब हो गई थी, मेरे इस पे सो गए थे आप है ना, मांडी पे और खाला के यहाँ पे पैर रख के, मतलब एकदम दुल्हन ना एकदम बिंदास सो गए थे, वो थक गए थे। पहला इतना बड़ा सफर था ना आपका, बड़ा सफर, बीजापुर को फर्स्ट टाइम आ रहे थे। एक तो 2 दिन से नींद नहीं थी हल्दी रज्जे का, और उसमें इतने दूर जाने का, और उसमें इतने हेवी कपड़े पहना के लेके गए। मैं तो कार में फटाफट से पूरा सब ज्वेलरी वगैरह सब निकाल दी थी। तो वो तो यादें हैं, वो कभी भी भूल नहीं सकते हम। और ये शॉप में भी गाइस बहुत ही अच्छे ड्रेसेस है, ब्राइडल हो, पार्टी वेयर हो, शादी। फाइनली गाइस हमारा शूट कंप्लीट हो गया और अभी हम निकल चुके हैं पुणे के लिए। और रास्ते में लगी थी भूख तो हम एक ढाबे पे रुक गए जहाँ पे मैंने लिया था चिकन थाली मेरे लिए, बाकी इन तीनों को तो वेज ही खाना था। और फारा कहीं पर जाते तो वो पापड़ लेते ही है, मसालेदार पापड़। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थक चुके हैं हम, चलो खाना खाएंगे फिर निकलते हैं घर पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ईजान की ड्रेसिंग करने के लिए। इतने दिन से 2-3 ड्रेसिंग ना ईजान की वहीं पर हो गई थी फारा के घर पे, तो आज हम वही जहाँ पे ईजान को ये टाके लगाए ना वही हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको दिखाएंगे कि जख्म भरा है नहीं, क्योंकि वो 2-3 टाके मुझे अभी लग रहे हैं, तो देखेंगे पूछेंगे जाके। और कितने दिन हो गए अभी वो बच्चे को, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी निकाल देते हैं ना ईजान, निकालेंगे ना? नहीं निकालने का, अरे अल्लाह निकालेंगे ना बेटा। मुंबई से आने के 2 दिन बाद थोड़ा फरा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इवन अभी भी फरा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए हम थोड़ी देर मैं लेता बाहर नहीं लेके जाऊँगा, नहीं लेके जाऊँगा बाहर, तो व्लॉग लिए नहीं हमने और बहुत दिन गैप हो गया। बहुत लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि डेली व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, गाइस बहुत बिजी रह रहे इस वजह से, बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 या 1 दिन के बाद हम व्लॉगिंग करने का। बहुत जल्दी हम अभी बीजापुर भी जाने वाले हैं, वहाँ पे मेरे बहन की शादी है नेक्स्ट मंथ में, तो वहाँ पर भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आपको, तो अभी जाते हैं। फरा को भी थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूँ, उनका भी थोड़ा मन हो जाएगा। हाँ आ जाओ फरा बाहर। और गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमने हूर का फेस रिवील क्यों नहीं किया, वो ब्लॉग आधा शूट हो गया है, बस हूर के फेस तक हम वेट कर रहे हैं। हूर के खाला का इंतकाल हो गया,
तो उस वजह से वो व्लॉग वहीं पे स्टॉप हो गया, हमने नहीं किया। उसके बाद हूर वहीं पे है, हम भी नहीं मिले बहुत दिन से, तो उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उस व्लॉग में हमने ये भी बताया था कि हूर के खाले की तबीयत ठीक नहीं है, बट उसके सडनली दो दिन बाद ऐसी खबर आ गई। तो प्लीज़ दो एक दिन के बाद ना, तो प्लीज़ दुआ करना अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो चलो जाते हैं ईजान की ड्रेसिंग करके आएंगे। ऊपर देखो, ऊपर हो गया, हो गया, कुछ नहीं। ऊपर देखो, ऊपर पटरी निकल गई, ऊपर देखो। नहीं नहीं मत ऐसा मत करो, मत मत वैसा, कुछ नहीं, हो गया, हो गया बेटा, ऐसे हो गया। देखो मम्मा भी ये कह रहे हैं ना, हो गया, हो गया बेटा, कुछ नहीं। मेरा स्ट्रांग बच्चा है, हो गया। अभी मैं ईजान को चार लॉलीपॉप दूंगा, हाँ कितने चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे, नहीं कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। रोया ना तो ये करो, चलो कुछ। ऊपर देखो, ऊपर देखो, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, ऊपर देखो, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ नहीं बेटा, हो गया, क्या हुआ, कितने अच्छे से हो गया ईजान का, वाओ, न्यू न्यू, न्यू न्यू, हो गया, हो गया पापा, हो गया। ये लास्ट, लास्ट, ये लास्ट, ये लास्ट, नहीं हो गया बच्चा, हो गया। अभी ऊपर देखो जल्दी, हाँ हो गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हो गया, हो गया, हाँ चलो, हो गया, हो गया, हो गया, रो मत, अभी चुप, अभी रोने का नहीं, हो गया, हो गया, चलो बाहर, चलो ले लो फर इसको, ये देखो।